गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नॉवल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेवन स्टेप्स इन द स्काई। कुंदनिका कापड़िया जी ने ये नॉवल लिखी थी। कुंदनिका कापड़िया का अभी अभी देहांत हो चुका है। वो गुजराती राइटर थे और उन्होंने ये नॉवल सबसे पहले गुजराती लैंग्वेज में ही लिखी थी और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इस नॉवल का गुजराती टाइटल है सात पगला आकाशमा। सात पगला आकाशमा ये गुजराती टाइटल है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था सेवन स्टेप्स इन द स्काई इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस नॉवेल को गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस नॉवेल के पब्लिश होते ही गुजराती लिटरेचर में फेमिनिज्म की शुरुआत हो गई थी। ऐसा माना गया है कि मैन और वीमेन दोनों को ये नॉवेल बहुत ही पसंद आई थी, क्योंकि इस नॉवेल में मैन और वीमेन दोनों के अस्तित्व की बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेवन स्टेप्स इन द स्काई। सबसे पहले इस टाइटल का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। सेवन स्टेप्स, हमारे हिंदू कल्चर में सेवन स्टेप्स का मतलब होता है सप्तपदी। शादी के टाइम पे जो सप्तपदी होती है उसी को ही सेवन स्टेप बोला जाता है। और स्काई का मतलब होता है लिबर्टी, फ्रीडम। के वीमेन को हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही फ्रीडम नहीं दी जाती, तो इसी के लिए इस नॉवेल का टाइटल दिया गया है सेवन स्टेप्स इन द स्काई। हमारी इस नॉवेल की मुख्य नायिका है वसुधा। वैसे तो ये नॉवेल बहुत बड़ी है, लेकिन उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी वसुधा जो है उसकी शादी होने वाली होती है। शादी के अगले दिन की शाम को वो छत पे जाती है। वहाँ वो बहुत सारे बर्ड्स को देखती है, वो आसमान में उड़ते हैं। और बर्ड्स को आसमान में उड़ते हुए देख के उसको ख्याल आता है ये कितने लकी है, अपने फ्रीडम कितने अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उसको लगता है जब उसकी शादी हो जाएगी तब उसके पास फ्रीडम नहीं रहेगी, उसकी बॉडी उसकी नहीं रहेगी, उसको बस अपने हस्बैंड का कहा हुआ सुनना पड़ेगा। ऐसा सब सोच के वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और बाद में उसकी शादी हो जाती है। वसुधा की शादी व्योमेश के साथ होती है। वो बहुत अच्छा अर्न भी करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वसुधा उसके साथ खुश नहीं है। उसको घर में सारी फैसिलिटीज है, लेकिन वो एक आत्मसम्मान चाहती है और इस घर में उसको आत्मसम्मान नहीं मिलता है। वो अपनी पसंद का खा नहीं सकती, अपनी पसंद का पहन नहीं सकती, वो अपनी पसंद का कुछ भी नहीं कर सकती। उसको ये बात मंजूर नहीं है। शादी के पहले उसको बहुत सारा रीडिंग करने का शौक था। वो बहुत सारा रीडिंग भी करती थी और शादी के बाद वो सारी बुक्स अपने साथ भी लेके जाती है। और जब उसको टाइम मिलता है तो वो बुक्स खोल के पढ़ने की कोशिश करती है। उसी टाइम पे व्योमेश की आंटी हमेशा उसको डांटती रहती थी, ये पढ़ने लिखने का काम हमारा नहीं है, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ उतना ख्याल रखना चाहिए कि तुम अपने पति को कैसे खुश कर सको और तुम्हारी और कोई ड्यूटी नहीं है। इस तरह से हमेशा उसको टोकती रहती थी। इवन वसुधा को कॉफी में ज्यादा मलाई डाल के पीने की आदत है, तो वो एक दिन कॉफी में ज्यादा मलाई डाल के पीने की कोशिश करती है। उसी टाइम पे व्योमेश की आंटी आ जाती है और वसुधा को डांटने लगती है कि ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी सारी मलाई क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन वसुधा को तो ये मलाई ऐसे कॉफी में डाल के पीना पसंद था, लेकिन आंटी ने उसको बहुत डांटा। तो ऐसी छोटी छोटी बात उसको पसंद नहीं आती थी। शादी के बाद 20 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उस टाइम पे वो माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन वो उसका डिसीजन नहीं है। व्योमेश की आंटी और व्योमेश को बच्चा चाहिए, इसीलिए वसुधा को बच्चे को जन्म देना पड़ता है। ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटी सी उम्र में ही उसके 3 बच्चे होते हैं और उसकी सारी लाइफ इन बच्चों के लिए ही चली जाती है। व्योमेश उसको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, बच्चों को संभालने के लिए भी वो उसको हेल्प नहीं करता है। उस तरह से वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से कभी नहीं जी पाती। हमेशा उसको दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, ऐसा हमेशा उसके मन में होता है। लेकिन शादी के 32 साल बाद अब वसुधा अपनी लाइफ खुद से जीना चाहती है, क्योंकि अब उसके 3 बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी लाइफ खुद जीने लगे हैं। अब वसुधा भी अपनी लाइफ जीना चाहती है और वो डिसीजन लेती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। और वो घर छोड़ के चली भी जाती है 50 साल की उम्र में।
ये डिसीजन वो इसलिए लेती है क्योंकि नॉवल में बताया गया है, क्योंकि वसुधा अपने गहने एक लड़की को देना चाहती है, वो उसकी रिश्तेदार है, उसको देना चाहती है। लेकिन व्योमेश उसको बहुत डांटता है कि इस गहनों पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये गहने मैंने तुम्हें दिलाए थे, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है इसके ऊपर। और वसुधा सोचने लगती है कि मैंने अपनी लाइफ का एक एक पल इन सब लोगों के नाम कर दिया, उसकी सैलरी कौन देगा। उसके दिमाग में ऐसा ऐसा ख्याल आने लगता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। और नॉवेल के एंड में वो घर छोड़ के चली भी जाती है और नंदीग्राम में वो जाके बसने लगती है। वहाँ उसके जैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रीडम को पसंद करते हैं। आप ये नॉवेल को पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे और भी वीमेन कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने सिर्फ उसको समराइज करने की कोशिश की है। अगर आप चाहे तो इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर से पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लविंग लिटरेचर।